अब कुछ असामाजिक तत्वों को सरपंच की सरपंची रास नहीं आ रही है। दरअसल बीकोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत देवराधनी गांव में सरपंच बलराम यादव को कुछ असामाजिक तत्व एवं महेंद्र यादव के द्वारा जबरदस्त पिटाई कर दी गई। हालात को नाजुक देखते हुए उसे पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ सरपंच बलराम यादव का उपचार चल रहा है। सरपंच बलराम यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व महेंद्र यादव के द्वारा उन लोगों को लगातार मारपीट की धमकी दे रहा था और मौका पाते ही उन लोगों के साथ मारपीट की गई है। कारण बताते हुए कहा कि महेंद्र यादव का कहना है कि तुम सरपंची छोड़ दो, तुम्हारे पास इतने सारे लोग क्यों आते हैं। जबकि बलराम यादव का कहना है कि वह एक गाँव का नहीं पूरे पंचायत का सरपंच है और सरपंच के पास कानून की जानकारी लेने एक गांव से नहीं कई गांव से उनके पास आते हैं, जहां कानून की जानकारी उसे दी जाती है। महेंद्र यादव एवं कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। साथ ही साथ सरपंच कार्यालय में कुछ कागजात की भी चोरी कर ली गई है, जिसकी लिखित सूचना थाने को दे दी गई है। महेंद्र यादव अपने सभी परिवार के साथ हम लोग के ऊपर जानलेवा हमला किया और ग्राम कचहरी के सरकारी दस्तावेज को गायब करने और सरपंच को जान से मारने का उद्देश्य से हमला किया गया। किस बात पर यानी लेकर हमला किया? कुछ ऐसे मैटर था अपने जाति में, राजनीति मैटर लेकर के जो है मारने का धमकी साजिश रचा और महेंद्र यादव अपने सभी परिवार के साथ और मिलकर मारने आया था 11:30 बजे रात को। मैटर किस टाइप का था? कौन सामाजिक राजनीतिक मैटर था? सामाजिक वाले मैटर। जी जी जी। ताकि आप जीत गए कि इसको लेकर के? जी जी जी, हम जीत गए इसी लेकर के आक्रोश में। आक्रोश जी, इसको जाने से मार देंगे। आप पहले भी थे क्या? तो सर जी नहीं, फर्स्ट बार बने हैं। फर्स्ट बार बने जी। अब वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं, अभी तत्कालिक जो है नौकरी में है, बिहार पुलिस है वो। तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगा आपसे? बिहार पुलिस है वो, आप राजनीतिक में है, सरपंच है, फिर आपको क्या लगता है उससे क्या लगता है, दिक्कत क्या होता है? उसको राजनीति मैटर दूसरा से जुड़ा हुआ है, ये राजनीति नहीं करे, हम राजनीति करे, हमारा राजनीति चले, हमारा जो है कहा सुना आदमी माने, इसके दरवाजे पर आदमी नहीं आए, इसी कारण भड़कावे में लगते रहता है। इससे पहले भी आपके साथ मारपीट हुआ था? कल जो है मैटर था, कुछ आदमी हमारे ग्राम कचहरी में आए हुए थे, आदमी सरपंच हमारे दरवाजे पर बहुत सारे आदमी आते हैं, आदमी बैठे हुए थे, इसी दरमियान में उधर से दारू पी के गाली गलौज करने लगा, काहे आया है तुम्हारे दरवाजे पर, ही सबको भगाओ नहीं तो गोली मार देंगे। आप सरपंच हैं, अब वो आपका काम है जी, तो उसको इससे दिक्कत हो रहा? दिक्कत हो रहा था, भड़कावा कर रहा था आदमी, आपके पास नहीं आदमी आवे, उसको गाली गलौज किया, इसी पर हम बोले काहे भगा रहे हो, न सबको भगाओ, यहाँ नहीं रहने देंगे। इसी को लेकर यानी रात में मारपीट हुआ? जी इसी लेकर के मारपीट हुआ। मारने वाले में से हैं महेंद्र यादव, महेंद्र यादव, इसके बाद जो है विजय यादव, संजय यादव, अजय यादव, भूषण यादव, काड़ी यादव, दिन प्रिंस कुमार, सोनू यादव। कितने बजे रात में मारपीट किया? 11:30 बजे रात में मारपीट किया। घटना आई खाने के लिए, मतलब सरपंच के दरवाजे पर आया, हम भी वहीं थे, 11:30 बजे रात को। वो बोल रहा है दारू पी के जो राजपूत को क्यों बुला रहे हैं खाने पीने के लिए, इसी पर गाली गलौज सरपंच को देने लगे, तो सरपंच ने उसको कहा कि क्यों गाली दे रहे हैं मेरे दरवाजे का, उलंघना मत करो, उसी पर उठाट लेके उधर 15-20 आदमी, सब आदमी चला आया, संजय यादव और महेंद्र यादव और संजय यादव पहले आया ढाट लेके मारने के लिए, उसके पीछा जो था 15-20 आदमी आए। मामूली सी बात पे आप लोग शर्मा के हो गए? हाँ ऐसे।
फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधारकर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला मधेपुरा बिहार। कांटेक्ट नंबर 8400080353553। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए होम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री शिशु पेट बात चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निभा भारद्वाज, पक्की तालाब दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 7547827118 डॉक्टर निभा भारद्वाज।